हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर अबाउट मी। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ चैप्टर में आप देख पा रहे हैं कि एक फैमिली की जो फोटो डाल दी गई है यहाँ पे पिक्चर। तो ये जो चैप्टर डिस्क्राइब किया जा रहा है वो वरुण नाम के एक बॉयज़ के ज़रिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हेलो, दिस इज़ माय फैमिली, आई एम वरुण। वरुण बोल रहा है कि ये सभी मेरे फैमिली है और मैं वरुण हूँ। तो आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में कि वरुण जो है वो हाथ में है जो फुटबॉल लेकर के है, जो खड़ा है, और उसके जस्ट बगल में उसके दादा हैं जो चेयर पे बैठे हुए, और दादा के पीछे वरुण के पापा हैं। फिर बीच में एक छोटी सी बच्ची को आप देख पा रहे हैं जो डॉल ली हुई है, वो वरुण की है जो बहन है, ठीक है ना, वरुण की है जो बहन है, और उसका नाम क्या है, रीना है। फिर आप रीना के बगल में देख पा रहे हो एक लेडीज़ है जो चेयर पे बैठी हुई हैं, वो वरुण की दादी है, और दादी के पीछे वरुण की मम्मी खड़ी हैं। उसके बगल में एक लड़की भी है जो डोमेस्टिक हेल्पर, मतलब घर के काम काज करने के लिए वो आती है, उसका नाम क्या है, सीमा है, सीमा दीदी। और बच्चों, बगल में एक पेट डॉग भी, एक पालतू जानवर, एक कुत्ता भी है जिसका नाम क्या है, टिंकू है। तो टिंकू ने अपने पूरे फैमिलीज के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है कि मेरे बगल में मेरे दादा बैठे हुए हैं, और दादा के पीछे मेरे पापा हैं, दादा के बगल में दादी बैठी हुई है, और दादी के पीछे मेरी मम्मी है, और दादी के जस्ट बगल में काम करने वाली सीमा दीदी है, और दादा दादी के बीच में मेरी बहन जिसका नाम रीना है, और उनके साथ एक पालतू कुत्ता भी है जिसका नाम टिंकू है, ठीक है। इसके बाद बच्चों, यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे मैंने स्टोरी बता दिया, इसके फैमिलीज़ में टोटल कितने फैमिली मेंबर्स हैं, अब देख सकते हो, एक बार फिर से काउंट कर लूँ। जैसे कि वरुण हो गए, उसके दादा हो गए, वरुण की बहन हो गए, फिर वरुण की दादी हो गई, और फिर उनके मम्मी पापा हो गए, मतलब टोटल 6 मेंबर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयर आर 6 मेंबर्स इन वरुण फैमिली। द लेडीज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द ग्रैंड मदर इज देयर डोमेस्टिक हेल्प, है ना, जो डोमेस्टिक हेल्प करने के लिए एक लड़की आती है जो ग्रैंड मदर के बगल में खड़ी है, और हर नेम इज़ सीमा, उसका नाम क्या है, सीमा दीदी है ना। ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर आर सिटिंग ऑन द चेयर। आप देख पा रहे हैं फोटो में, आप देख पा रहे थे कि दादा और दादी जो है वो चेयर पे बैठे हुए हैं। रीना इज वरुण लिटिल सिस्टर, है ना, वरुण की जो छोटी बहन का नाम क्या है, रीना है ना। तो रीना इज वरुण लिटिल सिस्टर। वरुण इज स्टैंडिंग विथ फुटबॉल इन इज हैंड। ई वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ई नंबर जो फिल इन द ब्लैंक से, वरुण इज स्टैंडिंग विथ फुटबॉल इन हिज हैंड। आप देख पा रहे हैं यहाँ फोटो में जो है, तस्वीर में वरुण है जो फुटबॉल लिए है, जो खड़ा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देख पा रहे हैं वरुण अपने फ्रेंड्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो बोल रहा है कि आई एम 5 ईयर्स ओल्ड। वरुण है जो 5 साल का उम्र का एक लड़का है। दिस इज़ नितिन, ही टू इज़ 5 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ माई फ्रेंड। तो वरुण के बगल में उसका दोस्त है जिसका नाम क्या है, नितिन है, वो भी 5 साल का है, और वरुण का वो अच्छा सा मित्र है, अच्छा सा फ्रेंड है। फिर दिस इज नीरा, शी इज 5 ईयर्स ओल्ड, शी इज माई फ्रेंड। तो वरुण के बगल में आप देख पा रहे हैं एक लड़की भी खड़ी है, उस लड़की का नाम क्या है, नीरा है, वो भी 5 साल की है। नीरा, नितिन और वरुण तीनों एक ही क्लास में बैठ करके पढ़ते हैं, एक ही क्लास के स्टूडेंट है, तीनों साथ में मिलकर के लंच खेलते हैं, और तीनों साथ में ही हैं जो फुटबॉल खेला करते हैं, और संडे को ये तीनों बच्चे क्या होते हैं, तीनों बच्चे जो पार्क में हैं जो घूमने और खेलने के लिए जाया करते हैं। तो कहानी बच्चे मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ कुछ ट्रू फॉल्स हैं। जैसे नितिन इज 6 ईयर ओल्ड, क्या नितिन 6 साल का है, नहीं, नितिन तो 5 साल का था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नीरा इज 5 ईयर्स ओल्ड, नीरा 5 साल की थी, यस, नीरा इज़ 5 ईयर्स ओल्ड, नीरा जो है 5 साल की बच्ची थी। नितिन एंड नीरा आर फ्रेंड्स, क्या नितिन और नीरा फ्रेंड्स हैं, जी हाँ वो फ्रेंड्स हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
वरुण इज नॉट नितिन फ्रेंड, क्या वरुण नितिन का फ्रेंड नहीं है? नहीं, वो तो फ्रेंड है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ऑन संडे दे गो टू द म्यूजियम, क्या संडे को वरुण नितिन और नीरा म्यूजियम जाते थे? नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वो लोग संडे को कहाँ जाते थे? पार्क में जाते थे, है ना। द चिल्ड्रन हैव लंच टुगेदर, क्या तीनों बच्चे साथ में लंच करते थे? हाँ, साथ में करते थे, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। दे डोंट लाइक टू प्ले विथ अ बॉल, क्या वो तीनों हैं जो बॉल के साथ खेलना नहीं पसंद करते थे? जी, वो खेलना पसंद करते थे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जी का फॉल्स हो जाएगा। दे स्टडी इन द सेम स्कूल, क्या तीनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे? जी हाँ, तीनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे, तो ई वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलो अब वरुण के हाउस के बारे में जानते हैं। तो आई एम वरुण, दिस इज माई हाउस, आई लिव हियर विद माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिस्टर। मैं वरुण हूँ और ये मेरा घर है, यहाँ मैं अपने पेरेंट्स और दादा दादी और बहन के साथ रहते हैं। टिंकू लिव्स हियर टू, टिंकू क्या है? मतलब एक कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, वो भी उनके साथ रहता है। बट ही लाइक्स टू स्लीप इन द गार्डन इन साइड हिज कैनल, वो अपने मतलब घर, जो कुत्ते का जो घर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैनल कहते हैं। तो कैनल के अंदर है जो वो जो टिंकू है वो सोना ज़्यादा पसंद करता है। फिर है आगे, माई हाउस इज़ येलो इन कलर, वरुण बता रहा है कि मेरा जो हाउस है वो येलो कलर का है और उसका जो छत है वो रेड कलर का है। देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट, इन द फ्रंट, वो रहा कि घर के बगल में एक छोटी सी गार्डन भी है। कैन यू सी द फ्लावर पॉट्स, तो बोल रहा है कि क्या फ्लावर पॉट्स को देख सकते हैं? ग्रैंडफादर लाइक टू सिट इन द लॉन एंड रीड द न्यूज़पेपर, वो वरुण बोल रहा है कि मेरे दादाजी है जो खुले में है, जो बैठना पसंद करते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। माई हाउस इज़ वेरी कोजी एंड वार्म, तो बोल रहा है कि मेरा जो हाउस है वो बहुत ही कम्फर्टेबल है और गर्म है। आई लव माई हाउस, मैं अपने हाउस से बहुत प्यार करता हूँ। विल यू प्लीज़ कम टू माई हाउस, फिर वो बोल रहा है कि क्या आप मेरे घर आना चाहोगे? इस आई वॉन्ट टू कम टू योर हाउस, देखो ये वरुण का है जो घर है ना। बच्चों यहाँ आप कुछ मैच दी फॉलोविंग है, जैसे हाउस, हाउस किस कलर का था? तो जो हाउस था असल में वो येलो कलर का था, तो ए का येलो हो जाएगा। रूफ, रूफ किस कलर का था? तो रेड कलर का था, तो बी को क्या करेंगे? रेड से मिला देंगे। लॉन, लॉन पे कौन रहते थे? तो ग्रैंडफादर रहते थे और वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो सी का जो हो जाएगा वो न्यूज़पेपर हो जाएगा। कैनल, कैनल में कौन रहता है? डॉग रहता है और उस डॉग का नाम क्या है? टिंकू है, तो सी का क्या हो जाएगा? टिंकू हो जाएगा, सॉरी डी का क्या हो जाएगा? टिंकू हो जाएगा। अब गार्डन, तो बच्चे जो गार्डन है वो क्या है, किस कलर का है? तो ग्रीन कलर का है, तो एफ का क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, है ना। फिर जी में लिखा है वॉर्म, वॉर्म क्या था असल में? वरुण का घर था, है ना, तो वॉर्म का क्या हो जाएगा? हाउस हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है, जैसे राइट डाउन द नेम ऑफ वरुण फ्रेंड्स, वरुण के फ्रेंड्स का क्या क्या नाम थे? तो नितिन, नीरा, ये सब क्या थे? वरुण के फ्रेंड्स थे, है ना। वॉट आर द कलर यूज बाय वरुण हाउस, वरुण का घर किस कलर का बना हुआ था? तो वरुण का जो घर था वो येलो कलर का बना हुआ था और जो रूफ था वो रेड कलर का बना हुआ था, मतलब येलो और रेड कलर का उसका घर था। डज वरुण लाइक हिज हाउस, क्या वरुण अपने घर को पसंद करता था? यस, वरुण अपने घर को पसंद करता था। हु इज सीमा, सीमा कौन थी? तो सीमा क्या थी? सीमा दीदी इज द एल्डर सिस्टर ऑफ वरुण, सीमा दीदी जो थी वो एक डोमेस्टिक हेल्पर भी थी और वरुण की एल्डर सिस्टर भी थी। डज वरुण हैव अ पेट, क्या वरुण का कोई अपना पेट था? यस, वरुण हैव अ पेट, वरुण हैज़ अ पेट, इट इज़ अ डॉग नेम एज टिंकू, है ना। वरुण का एक पेट भी था, एक पालतू जानवर था जो कि असल में एक डॉग था और उसका नाम क्या था? टिंकू था।
तो बच्चों ये पूरा चैप्टर का समरी है, आप इसे अच्छी तरीके से एक बार फिर से समझ लेना, दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना और फिर क्वेश्चन आंसर को कॉपी में नोट ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।